द ब्लैक ताज ऑफ इंडिया, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। दोस्तों, यूं तो दुनिया में ताजमहल की कई कुहर नकलें बनी हुई है, मगर आज आपको ये वीडियो देखने के बाद ये जानकर आश्चर्य होगा कि खुद सात अजूबों में शुमार ताजमहल भी किसी एक इमारत की कुहर नकल है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में दिखाए जाने वाले इस मकबरे को देखने के बाद ही ताजमहल का निर्माण किया गया था। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मकबरा हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मौजूद मध्य प्रदेश के एक जिले बुरहानपुर में मौजूद है, वही बुरहानपुर के जो द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ बुरहानपुर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दो कि यहीं पर ताजमहल का बनना तय हुआ था, लेकिन क्यों ना बन सका इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आपको मेरे चैनल पर आसानी से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम मकबरे में एंट्री कर लेते हैं और आपको इस मकबरे के बारे में अमेजिंग और नॉलेजेबल फैक्ट्स बताते हैं। तो दोस्तों, इस मकबरे में आने के लिए किसी तरह का कोई टिकट नहीं लगता है, सिर्फ एक एंट्री करवानी होती है, जो कि हमने करवा दी है और अब हम आपको पूरा मकबरा घुमाएंगे। दोस्तों, इस मकबरे की एक खासियत यह भी है के पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मकबरे मौजूद हैं उनके तहखाने में जाना अब अलाउड नहीं है, लेकिन इस मकबरे के तहखाने में आज भी जाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस मकबरे के तहखाने में जाकर तहखाने का पूरा व्यू दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शाहजहां की बेगम मुमताज महल अपनी जिंदगी की जब आखिरी सांसें गिन रही थी, शाहजहां की बेगम का शौहर शाहजहां की गोद में था और वे उस वक्त बुरहानपुर में बने हुए शाही किले में मौजूद थे। और तरह तरह के वादे बेगम मुमताज महल अपनी ज़िंदगी की आखिरी वसीयतें शाहजहां के सुपुर्द कर रही थी। उनमें से एक वसीयत ये थी कि शाहजहां उसकी कब्र पर एक बेहतरीन आलिशान मकबरा बनाए, और फिर उसके बाद शाहजहां की बेगम मुमताज की मौत बुरहानपुर में हो गई। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि यह मकबरा बेगम मुमताज महल के लिए बनाया गया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मकबरा तो शाहजहां के पैदा होने से पहले ही बन चुका था। तो दोस्तों, अगर अब हम बात करें कि ये मकबरा कब और किसके लिए बनाया गया, तो ये मकबरा खानदेश के सूबेदार नियुक्त किए गए अब्दुल रहीम खाना के बेटे शाहनवाज खां के लिए बनाया गया था, और उन्हीं की कब्र इस मकबरे के अंदर मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसके तहखाने में जाकर इसका पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम तहखाने के अंदर चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए, अब हम चलते हैं मकबरे के तहखाने में। दोस्तों, तहखाने के अंदर हमसे पहले यहाँ पर कुछ लोग गए हुए हैं, जिन्होंने हमें आवाज़ लगा कर कहा है कि रुक जाए, तो हम यहीं पर रुक गए हैं। इन लोगों को हम बाहर निकलने देते हैं और फिर इनके आने के बाद हम आगे जाएँगे यहाँ से और आपको नज़ारा बताएँगे तहखाने के अंदर का। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल अंधेरा है इस तहखाने के अंदर, हमें टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो चलिए, अब हम आपको नज़ारा बताते हैं, एक बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पर, बहुत ही डर लगता है इस तहखाने के अंदर। आप देख सकते हैं अंधेरा सा हो गया है, हमने टॉर्च जब ऑफ की तो हम आपको यहाँ का करिश्मा बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए, हम आपको करिश्मे की वजह बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर करिश्मा होता है। यहाँ पर दोस्तों, जब आप आएंगे तो वह टॉर्च ऑफ करने के बाद भी आपको उजाला दिखाई देगा, और वह उजाला दिखने की वजह यह है कि यहाँ पर रोशनदान भी है। इस तहखाने के अंदर दो रोशनदान पूर्व और एक पश्चिम की तरफ से मौजूद है, जिस पर से कब्र पर अचानक से रोशनी पड़ती है, जो कि बहुत ही खतरनाक करिश्मे की तरह दिखती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ऊपर का स्टैचू बताते हैं जो कि मकबरे के अंदर बना हुआ है, और मकबरे की कई सारी खूबियां हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह मकबरा ताजमहल के बनने से दशकों पहले बन चुका था। इस मकबरे की दीवारों पर बेल बूटों की सुंदर नक्काशी की गई है, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, जो कि इंसानों को आकर्षित कर देती है। तो दोस्तों, इस मकबरे में मौजूद यह शाहनवाज खां की कब्र है, और दूसरी कब्र के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये शायद शाहनवाज खां के बहन या फिर उनकी बीवी, इन दोनों में से किसी एक की कब्र हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको मकबरे का
आलिशान खूबसूरत बेलबूटों की नक्काशी वाला नज़ारा दिखा देते हैं। दोस्तों, इस मकबरे की ऊंचाई करीबन 60 फीट की है। दोस्तों, इस मकबरे का निर्माण सुबह खानदेश के सूबेदार अब्दुल रहीम खाने खाना के देखरेख में हुआ था। अब्दुल रहीम खाने खाना को बादशाह मुगल बादशाह अकबर के द्वारा बुरहानपुर और सुबह खानदेश का सूबेदार नियुक्त किया गया था। दोस्तों, मुगल काल में बुरहानपुर सुबह खानदेश की राजधानी हुआ करती थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको और भी आगे का इस मकबरे का अंदर का भरपूर नज़ारा दिखा देते हैं। बहुत ही खूबसूरत मकबरा है ये, अगर आप चाहें तो इसे देखने के लिए आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बाहर से इसका पूरा पूरा व्यू दिखा देते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो दोस्तों, ताजमहल के बनने से पहले ही इस मकबरे का निर्माण हो चुका था और मुग़ल सम्राट शाहजहाँ की नज़र इस मकबरे पर थी। और अपनी बेगम मुमताज महल की वसीयत के बाद शाहजहाँ को एक आलीशान मकबरा बनाना था, और उसके बाद ही कि जिसने ताजमहल बनाया है, यानी ताजमहल के मुख्य आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को शाहजहाँ ने इस मकबरा का जायज़ा करवाया। और यही बुरहानपुर के इस ब्लैक ताज से ओरिजिनल ताजमहल का जो है तो एक नक्शा तैयार किया गया, और फिर उसके बाद बुरहानपुर में ही ताजमहल को बनाना तय किया गया। लेकिन किसी कारणवश बुरहानपुर में ताजमहल न बन सका, और फिर ताजमहल को आगरा में बनाना तय कर दिया गया, और फिर उसके बाद आगरा में ताजमहल इस ब्लैक ताज के बेस पर बना दिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने मुमताज की मृत्यु वाला किला नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला ये वीडियो जरूर देखें।